हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम लाइट एप्लीकेशन का रिव्यू करके बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल पर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जैसे आपके मोबाइल पर ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम लाइट एप्लीकेशन में क्या फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो से पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे अभी मेरे मोबाइल पर देखेंगे सेम टू सेम आपके मोबाइल पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए मेरा, जैसे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन किया, ठीक है, मेरा जो आईडी है, मेन जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का जो आईडी है, वो आईडी अपने आप आ चुका है, आपका भी आएगा। ठीक है, तो अगर उस आईडी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लॉगिन एस आपका जो प्रोफाइल का नाम या आईडी का नाम होगा वो आ जाएगा। ठीक है, मैं इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दिया। अगर आपने दूसरा करना चाहते हैं तो कंटिन्यू, सॉरी दोस्तों, नीचे साइनअप का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, आप सीधा डायरेक्ट आप दूसरा अकाउंट बना भी आप इस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। लेकिन मुझे एक ही प्रोफाइल से मुझे इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे किया ना, यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल के साथ सेम टू सेम आ चुका है। दोस्तों इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम लाइट एप्लीकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम एप्लीकेशन है, सिर्फ नाम अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो 5 ऑप्शन है, रील्स का एक ऑप्शन थोड़ा इधर आता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन जो है सेम टू सेम ही रहेगा। तो इस एप्लीकेशन सेम टू सेम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का तरह ही है, कोई भी अलग तरीका नहीं है, आपका प्रोफाइल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम लाइट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और भी कोई भी फीचर्स वगैरह नहीं है, जैसे आप इंस्टाग्राम पर रील्स डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, वीडियो वगैरह, IGTV वगैरह सब कुछ आप लोग अपलोड वगैरह कर सकते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन उस एप्लीकेशन पर आप लोग अगर उसी अकाउंट से आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं बढ़ना चाहते दूसरा अकाउंट बनाकर भी अभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताऊँ तो मैंने पहले वाला आईडी से मैंने भरा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का और कोई भी फीचर्स वगैरह नहीं है। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो प्लीज़ बताना। एंड एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन, जब भी आएगा नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन नीचे रहता है हमेशा, तो वो अब क्या हुआ है, ऊपर चला गया, देख सकते हैं ना आप, ऊपर वाला आइकॉन पर जो लाभ का ऑप्शन नोटिफिकेशन का है वहाँ पर चला गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी फॉलो वगैरह लाइक वगैरह करेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड नीचे में आपको प्लस आइकॉन जो दिख रहा है वो ऊपर था। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू।